हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बालसोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से संबंधित प्रश्न खंड की बात करेंगे। शायद इस चैप्टर को आपने दोहरा लिया होगा, तो मैं कुछ ही प्रश्न खंड आपको हल करा रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से समझेंगे। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। ध्यान देंगे आप कि आपने पढ़ा है प्राक संवर्धन, पढ़ा है कुछ टॉपिक हैं जो मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना होगा। प्राक संवर्धन जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इन बातों को पुनः आपको दिमाग में लाना होगा। इसी प्रकार से भ्रूण पोष संवर्धन, नंबर 3 मेरिस्टेम संवर्धन, ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ा दिए गए हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बोर्ड एग्जाम में 10 या 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एप्लीकेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मेन उन 10 नंबरों को आपको ध्यान रखना है कि आपके नंबर डिलीट नहीं हो, कि आप 10 नंबर आपको अचीव करना है। किस प्रकार से करें, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा एप्लीकेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन आपको हल करना होगा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, उस टॉपिक को आप समझने की कोशिश करें। आपको प्राक संवर्धन से संबंधित क्वेश्चन की बात करें, यहां क्वेश्चन बन रहा है यदि आप एगुणित पादप प्राप्त करना चाहते हैं, एगुणित पादप का उत्पादन करना चाहते हैं, तो पादप के किस भाग का संवर्धन किया जाता है तथा क्यों, यह आपके सामने प्रश्न रख दिया गया है कि आप एक एगुणित पादप का उत्पादन करना चाहते हैं तो पादप के किस भाग का संवर्धन किया जाता है तथा क्यों। ध्यान देंगे, यदि आप एगुणित पादप का उत्पादन करना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा, पराग संवर्धन करना होगा। ध्यान रखें, पराग संवर्धन किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि पराग कण की सूत्र गुणता होती है वो क्या होती है, एगुणित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पराग कण की सूत्र गुणता क्या होती है, एगुणित होती है, अतः हमें एगुणित पादप का निर्माण करना है तो हमें क्या करना होगा, पराग संवर्धन करना होगा, या अंडाशय संवर्धन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सूत्र गुणता क्या होती है, एन होती है, एगुणित होती है, ये आपका आंसर होगा। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत सारे अभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि आप एगुणित पादप का उत्पादन करना चाहते हैं तो पादप के किस भाग का संवर्धन करेंगे तथा क्यों, तो आपका आंसर क्या होगा, पराग संवर्धन करेंगे, क्योंकि इसकी सूत्र गुणता क्या होती है, एगुणित होती है। इसके लिए क्या किया जाएगा कि हमें पराग कोष से क्या लेंगे, पराग कण लेंगे तथा पोष पदार्थ में संवर्धित करके एगुणित पादप का उत्पादन किया जाता है। नंबर 2 आपको पढ़ा दिया गया भ्रूण पोष संवर्धन, एंडोस्पर्म। भ्रूण पोष संवर्धन क्या है, भ्रूण पोष संवर्धन क्या है, इससे संबंधित एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन बनता है। यदि आप त्रिगुणित पादप का उत्पादन करना चाहते हैं तो पादप के किस भाग का संवर्धन किया जाएगा तथा क्यों, तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या बताएंगे, भ्रूण पोष संवर्धन करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। यदि आप त्रिगुणित पादप का उत्पादन करना चाहते हैं तो किसका संवर्धन किया जाएगा, भ्रूण पोष, क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसकी सूत्र गुणता होती है वो क्या होती है, 3n त्रिगुणित, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न भी पूछा गया था, 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि भ्रूण पोष की सूत्र गुणता क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, त्रिगुणित यानी 3n, ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो त्रिगुणित पादप का उत्पादन करने के लिए क्या करेंगे, भ्रूण पोष का संवर्धन करेंगे, क्योंकि इसकी सूत्र गुणता क्या होती है, 3n होती है, त्रिगुणित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो आप। उसके बाद इसमें आप क्या किया जाता है कि एंडोस्पर्म लेंगे,
तद आप पोष पदार्थ में क्या करेंगे, संवर्धित करेंगे, और संवर्धित करके त्रिगुणित पादप का उत्पादन किया जाता है। नंबर तीन है मेरिस्टेम संवर्धन, जिसका आप डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाए गए थे जब टॉपिक पढ़ाया गया था, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है इससे संबंधित क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा गया था, जो दो नंबर का क्वेश्चन आया था मैं आपको बता दूं। यदि एक रोगग्रस्त पादप से आप एक स्वस्थ पौधा तैयार करना चाहते हैं तो पादप के किस भाग का संवर्धन किया जाता है तथा क्यों, ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, दो नंबर का प्रश्न आया था याद रखें, क्योंकि एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन था और दो नंबर का पूछा गया था कि आप एक रोगग्रस्त पादप से, वो प्रश्न किस प्रकार से था कि एक केले का पौधा रोग से ग्रस्त है, यदि आप उससे एक स्वस्थ पौधा तैयार करना चाहते हैं तो पादप के किस भाग का संवर्धन किया जाता है तथा क्यों, तो आपको ध्यान रखना है आपका आंसर क्या होगा, इसमें मेरिस्टेम संवर्धन करेंगे। इसके लिए हमें क्या किया जाता है कि पादप का शीर्ष विभजोतक तथा कक्षीय विभजोतक का संवर्धन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये विषाणु से क्या होता है, मुक्त होता है, पादप पूरा रोग से ग्रस्त हो जाएगा, लेकिन मेरिस्टेम पार्ट होता है शीर्ष विभजोतक व कक्षीय विभजोतक होता है वो विषाणु से क्या होता है, मुक्त होता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे, कोई जरूरी केले का नाम आए, प्रश्न घुमा भी सकता है। यदि एक गन्ने का पौधा रोग से ग्रस्त है और उस गन्ने के रोगग्रस्त पादप से आप एक स्वस्थ पौधा तैयार करना चाहते हैं तो उस पौधे का कौन सा भाग उपयुक्त होगा तथा क्यों तथा किस विधि का प्रयोग करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है शीर्ष विभजोतक या कक्षीय विभजोतक का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि विषाणु से क्या होता है, मुक्त होता है, आपको ध्यान रखना है। तथा कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है, उत्तक संवर्धन का, उत्तक संवर्धन ध्यान रखें, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, उत्तक संवर्धन, ये एप्लीकेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 10 नंबर अचीव करना निर्भर करता है इन पर, क्योंकि टॉपिक सब पढ़ते हैं लेकिन साइकोलॉजिक क्वेश्चन को आप कैसे हल कर पाएंगे, यह आपको थोड़ा सा क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, बस टॉपिक को समझना है और उसी टॉपिक की गहराई तक आपको जाना है और उसका आंसर आपको क्या करना है, खोजना है, क्योंकि पराग संवर्धन पूछेगा सब हल कर देंगे लेकिन घुमाकर पूछेगा तो समस्या हो जाएगी। तो थोड़ा सा टॉपिक को गहराई से समझे, टॉपिक की तह तक जाने की कोशिश करें। तो ये अपने एप्लीकेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, इससे संबंधित आगे और अध्ययन करेंगे क्वेश्चन से जो अभी आपको हल करा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।